देख रहे हैं द पीपल वॉइस, मैं हूं आपके साथ रुपल शर्मा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर के मानसरोवर वार्ड नंबर 83 स्थित कल्याणपुरा स्कूल में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जहां कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद शंकर बाजडोलिया ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, साथ ही जिन छात्रों ने शिक्षा और खेलकूद में प्रतिभा हासिल की उनका सम्मान किया गया। पार्षद बारडोलिया ने कहा कि मुझे इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार द्वारा आमंत्रित कर जो मान सम्मान दिया उसके लिए विद्यालय परिवार का हार्दिक अभिनंदन प्रकट करता हूं। मैं आशा करता हूं कि हमारा विद्यालय परिवार यूं ही तरक्की करता रहे। मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि मुझसे जितना सहयोग होगा मैं स्कूल परिवार के लिए हमेशा करता रहूंगा। इस मौके पर प्रधानाचार्य रामप्रसाद चावला, सायपुरा स्कूल प्रधानाचार्य सूरज भान विष्णु, गजेंद्र सिंघल, कैलाश सैनी, सुमन चौधरी, दिनेश और गोपाल सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। राज्य में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजसमंद विधानसभा क्षेत्र में सोशल मीडिया पर उपचुनाव में तनसुख भोरा को टिकट मिलने की चर्चा से जिले में खुशी की लहर देखी गई। आपको बता दें, भोरा ने क्षेत्र में कई सारे कार्य किए हैं, साथ ही उन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सोशल मीडिया पर भोरा का नाम वायरल होने के बाद शुभकामना देने को लेकर लोग पहुँचने लगे हैं। उधर भोरा की ओर से चुनाव नहीं लड़ने की बात कही जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने देर रात प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की ओर से सर्किट हाउस पर उनका स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने पूनिया के समर्थन में नारेबाजी भी की। स्वागत कार्यक्रम के बाद पूनिया सर्किट हाउस पहुंचे और जिले के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपचुनाव समेत कई मामलों पर चर्चा की गई। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पन्नाधाय कॉलोनी में हुई 1 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषणों की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक दीपक भार्गव ने बताया कि आरोपियों ने ऑटोमोबाइल व्यवसायी के सुने मकान पर वारदात को अंजाम दिया था। वारदात का पर्दाफाश करने में सीसीटीवी कैमरों की खासा भूमिका रही। पुलिस ने आरोपियों से 17 लाख नकदी, 1 किलो से अधिक सोना और चांदी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी घबराहट के चलते कई सारी नकदी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए थे। जानकारी के अनुसार आरोपियों में एक सराफा व्यवसायी भी शामिल है। चित्तौड़ के अंदर एक बड़ी चोरी की वारदात हो गई थी। अनूप धोखा जी ऑटोमोबाइल व्यवसायी हैं, उनके यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई थी, जिसमें 1350 ग्राम सोना, 19.5 किलो चांदी और 24 लाख रुपए कैश, ये कुछ चोर लेके गए थे। अज्ञात था पूरी वारदात। तो ये शहर पुलिस के लिए, कोतवाली के लिए एक चुनौती के रूप में थी, जिसको चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए CO सिटी मनीष शर्मा, राजेश कसाना RPS प्रोबेशनर और SHO कोतवाली तुलसीराम और इनकी टीम ने निरंतर मेहनत करी और अंतोगत्वा जाके इस वारदात को खोलने में सफलता प्राप्त करी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उनकी मौजूदगी में नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल कुमावत ने पूनिया को तलवार और मेवाड़ी पगड़ी भेंट स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में सभापति जनसेवक रामकन्या प्रहलाद गुर्जर ने सतीश पूनिया को प्रसिद्ध थेवा कला का आभूषण भेंट कर स्वागत किया। वहीं पूनिया ने नगर परिषद में बीजेपी को बहुमत दिलाने पर जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संगठन के कार्यकर्ताओं ने मेहनत कर विपरीत परिस्थितियों में बहुमत दिलाया वो तारीफ के काबिल है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जो कभी सफल नहीं होगा। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना भी की। इस मौके पर सांसद CP जोशी, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा, अनिरुद्ध शिमारू, कमलेश जोशी और गजेंद्र चंडालिया समेत कई लोग मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द पीपल वॉइस।